स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ अल्जेब्रिक फ्रैक्शंस, जो हमारे पास 5.10 का टॉपिक है। तो इसके अंदर इक्वलिंग फ्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम सब सीखेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम बात कर लेते हैं हमारे पास इक्वलिंग फ्रैक्शन क्या होती है। एक एग्जाम्पल है, पहले मैं आप लोगों को एक एक चीज़ समझाऊँ। जैसे मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है, मैं इसको लिखता हूँ 9/3, और मैं इसको लिखता हूँ ये हमारे पास 3 के बराबर है। साइमल्टेनियसली हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं, अगर मैं इसको 3 को इस पर डिवाइड करवाऊँ तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास 3 आएगा, जो 3 के 3 इक्वल ही है। ठीक, अब मैं हमें क्या बताना है कि हमारे पास जो फ्रिक्शन में लिखना है, मैं ठीक इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ऐसे लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ 1/2, 1/2, और मैं इसको लिख सकता हूँ 2/4, बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूँ मैं। साइमल्टेनियसली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, अगर ये इसको मैं डिवाइड करवाऊंगा तो ये मेरे पास किसके बराबर आएगा, ये मेरे पास बराबर आएगा 0.5 के। और इसको भी अगर मैं डिवाइड करवाऊंगा तो पहले मेरे पास ये क्या होगा, इक्वल 1/2, और ये मेरे पास फिर क्या आएगा, 0.5। साइमल्टेनियसली हम इसको लिख सकते हैं बिल्कुल। तो इसी तरीके से हमारे पास इक्वलेंट फ्रैक्शन जो आती है अलजेब्रा के अंदर, उसको भी हम देखते हैं। जैसे एक मेरे पास एक्सप्रेशन लिखी हुई है 1/(x-1)। और मेरे पास ये मैं कह रहा हूँ, ये मेरे पास बराबर है x+(x+1), और ये मेरे पास x²-1 के। ये हमारे पास जो दोनों एक्सप्रेशन है साइमल्टेनियसली हमारे पास इक्वल हैं। तो कैसे इक्वल है ज़रा हम चेक करते हैं। ये हमारे पास इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको चेक करते हैं। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो आप लोग जानते हैं मैं इसको क्या लिख सकता हूँ। इसको ऐसे किस लिखूँगा, और इसको मैं लिखूँगा एक्स, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लगा देता हूँ ऐसे। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, a², और अगर इसमें माइनस का मैं स्क्वायर कर लूँ ये 1 का, तो मेरे पास क्या बनेगा, आप लोग जानते हैं ये मेरे पास बनेगा, ये मेरे पास बन जाएगा एक्स, एक दफ़ा x+1 हो जाएगा, और एक दफ़ा x-a, यानी a²-b² वाला फार्मूला लगा रहा हूँ। ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये जो है ये इसके, ये मैं लिख लेता हूँ x माइनस, इसको मैं क्या दिया, और ये मैंने कहा था किसके बराबर है मेरे पास, ये 1/(x-1) के। अब देखें भाई बराबर आती है नहीं आती, ये देखो ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो गया। अब मेरे पास सिर्फ क्या बचा है, मेरे पास जो बचा है क्या कहते हैं, मेरे पास क्या बचेगा, ऊपर 1 बचेगा और 1/(x-1), ये हमारे पास सॉरी 1 है, 1 है। अब ये देखिए ये दोनों हमारे पास बराबर आई हैं। तो ये देखिए किस तरीके से हमने देखा, ये हमारे पास इक्वलेंट होती है। अब ज़रा इसको हम सॉल्व करके चेक करते हैं, ये हमारे पास एक्सप्रेशन लिखी हुई है कि नहीं है, तो ये हमारे पास साइमल्टेनियसली किस किस के बराबर हो सकती है। तो अभी चेक करते हैं, अगर मैं इसमें से ए बी दोनों को बाहर निकाल लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ बी, ए की पावर 4 बचेगी, और माइनस एक ए बाहर आ चुका है और हमारे पास बी की पावर 4 बचेगी, और ये डिवाइड किससे हो रहा है, ए बी दोबारा में बाहर निकाल लें तो इनमें से भी, तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, ब्रेकेट में ए की पावर 2 और बी बाहर आ चुका, और ए भी बाहर आ चुका इसमें से, और बी की पावर 2। अभी हमारे पास ए ऐसे कैंसिल, देखिए साइमल्टेनियसली हमारे पास इसी के बराबर ही है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करो तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, a² और ये माइनस बी और होल स्क्वायर, और नीचे ही हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको मैं ऐसे अभी लिख देता हूँ शायद इसकी हमारे ज़रूरत पड़ जाए। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फिर हमारे पास अंदर वाला स्क्वायर तो रहेगा, ऊपर वाला ख़त्म होगा, तो हमारे पास a²b² एक दफ़ा, और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, a²b². अब ये देखिए हमारे पास ये दोनों सेम है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए हमारे पास। तो हमारे पास सिंपली जो बचा है वो हमारे पास क्या बचा है, ये हमारे पास बची है सिंपली, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ a²b². तो ये देखिए साइमल्टेनियसली हमारे पास कितनी सारी फ्रैक्शन बनी जो आपस में बराबर ही थी। उस फॉर्म में देख लो, ये इस फॉर्म में आ गए, फिर इस फॉर्म में, ये सारी इक्वल ही हैं आपस में। और ये देखिए अब ये वाली और ये वाली बर वक्त एक ही वक्त में ये हमारे पास साइमल्टेनियसली हम कह सकते हैं हमारे पास इक्वल है। तो ये हमारे पास कहलाती है इक्वल फ्रैक्शन।